हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। हमारा जो कल का लेक्चर था हिंदी में, उसमें मैं आपको बता दूं काफ़ी बच्चों ने उसको लाइक किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कि सर आपका तरीका अच्छा है। सो आप सभी का शुक्रिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ हिंदी में पढ़ाइए। तो बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस तरह है कि मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश। कंटेंट मेरा इंग्लिश में रहेगा और मैं उसको कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोगों को फील ही नहीं होगा कि इंग्लिश में है। मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में डिस्क्राइब करूंगा, उसके बारे में आपको हिंदी में बताऊंगा और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेंगी, ठीक है। सो इस तरह डुअल लैंग्वेज में क्या होगा, इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात अगर की जाए तो जो बच्चे पीडीएफ के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मैं वीकली वीकली संडे को एक पीडीएफ रिलीज करूंगा, ठीक है। तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो हो जाए एक वीक के, तो जैसे 50 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, वीकली संडे को आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स के साथ अटैच कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग आज के अपने एमसीक्यू 3 पे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप इसको पढ़िए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ, तो आप तो लोगों ने पढ़ लिया होगा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल। मैंने कल के आपको अपने लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चंस में कीवर्ड पकड़ना सीखिए, क्योंकि अभी हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और उस कीवर्ड से जुड़े सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल। सो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते क्या है। ऐसा कौन सा देश है जहां पे संसार की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम चलने की योजना बनाई गई है? तो वो कंट्री कौन सी? चाइना, ठीक है। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम होती क्या है? ये एक ट्राम, सबसे पहले मैं बता दूं ट्राम क्या होती है। ट्राम एक ट्रांसपोर्ट का मोड है, यातायात का साधन। ये इसमें एक ट्रेन की तरह होती है, ठीक है, इसमें 2 से 3 डब्बे होते हैं और ये लोकल पैसेंजर की तरह होती है, ठीक है। अभी क्या है, चाइना में जो गवर्नमेंट है उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि ये प्रदूषण से मुक्त हो सके। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है, तो मैं आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक सेल होता है जिसमें 2 एनोड होती हैं। एक एनोड होती है यानी कि पॉजिटिव चार्ज की, एक कैथोड होती है यानी कि निगेटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज से हाइड्रोजन अंदर आती है एनवायरमेंट से, निगेटिव चार्ज से कैथोड से यानी कि ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, आयन का एक सॉल्यूशन। अब होता क्या है, जब हाइड्रोजन अंदर आती है तो H+ आयन में बदल जाता है, ऑक्सीजन अंदर आती है तो O- आयन में बदल जाता है, और एक रिएक्शन होती है, ठीक है। वो रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। 2H2+O2 गिव्स 2H2O, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या मिल रहा है हमको, आखिरी में पानी मिल रहा है, यानी कि इससे कुछ भी प्रदूषण नहीं होता, ना कोई राख, ना कोई गैस, ना कुछ, सिर्फ हमको पानी एज अ सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि ये ग्रीन मोड ऑफ एनर्जी है। और अब ये आप कह रहे हैं इसमें तो पानी बन गया, एनर्जी कहाँ से आई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, तो मैं आपको बताता हूँ। जब ये प्लस आयन है, यहाँ पे बन गया प्लस प्लस आयन और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस आयन, तो ये एक मीडियम के थ्रू, वायर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो बीच में एनर्जी होती है। जो भी हमारा, जैसे यहाँ बल्ब लगाया तो ये बल्ब जल जाएगा, अगर रेल के लिए मोटर होगी तो मोटर चल जाएगी, तो उसी तरह से ये हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सो अब इससे जुड़े हम चीज़ें देख लेते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम में क्या क्या है, ये तो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगा, पता चल गया आपको। ये ग्रीन एनर्जी का एक मोड है, ये भी मैंने बता दिया कि ग्रीन एनर्जी कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी निकलता है और कोई प्रदूषण का कारण नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। अब क्यों नहीं निकलती, क्योंकि इसका जो रिएक्शन का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है। अब जो चाइना में जो ट्रेन चल रही है ट्राम, उसमें क्या है, 3 कैरियज हैं और हर कैरियज में 66 सीट्स हैं। सो आप लोगों को सफिशियंट नॉलेज मिल गई होगी कि चाइना में पहली ट्राम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप लोग रीड लगाइए, ठीक है। हाँ, हम लोग आते हैं। विच मिनिस्ट्रियल कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन PSU बैंक मर्जर, यानी कि पूछा गया है कि सरकार ने ऐसी कौन सी कमेटी बनाई है, ठीक है, जो
हमारे सरकारी बैंक हैं यानी पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, उसको मर्ज करने के लिए, यानी कि ये कमेटी जो होगी वो क्या करेगी, स्टडी करेगी सारे बैंकों में, ठीक है, और क्या करेगी, इन सारे बैंकों को अगर मर्ज कर दिया जाए और एक बड़ा बैंक बना दिया जाए तो इसके फायदे देखेगी, ठीक है, और इसके नुकसान भी देखेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और अगर इसके फायदे होते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए एक कानून लेके आएगी और सारे बैंकों को मर्ज कर देगी। तो ऐसी इस कमेटी का नाम क्या है, अरुण जेटली कमेटी, ठीक है। सो यानी कि सारे सरकारी बैंकों को जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसका नाम है अरुण जेटली कमेटी। ये बैंक के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता क्या है बल्कि है, ठीक है। अभी हम लोग इसी में अपना आगे बढ़ते हैं, पीयूष गोयल कमेटी, ये तो कुछ है ऐसी, पीयूष गोयल हमारे रेलवे मंत्री हैं। राजीव कुमार कमेटी के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजीव कुमार कौन है आज की डेट में, राजीव कुमार हमारे आज की डेट में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले अरविंद पनगाड़िया थे, अरविंद पनगाड़िया, जो कि उनकी जगह पे अब हमारे राजीव कुमार जी हो गए, ठीक है। और राजीव कुमार कमेटी करेगी क्या, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या देखेगी, पानी का मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि हर साल होता है बिहार और अरुणाचल प्रदेश और जो भी स्टेट है यहाँ पे इस तरफ क्या होता है, वहाँ बाढ़ आ जाती है अक्सर और खूब नुकसान होता है पश्चिम बंगाल। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ये लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट की वहाँ पे देखेगी, स्टडी करेगी, एक रिपोर्ट तैयार की करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि वहाँ पे क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दो कमेटी के बारे में आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन का आंसर है अरुण जेटली कमेटी और राजीव कुमार कमेटी के बारे में आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि फिर बात करते हैं इसी अरुण जेटली कमेटी की, ठीक है। तो अरुण जेटली कमेटी जो बनी है, ये कमेटी, ये क्या क्या है, इसमें कौन कौन है, तो इस कमेटी को हेड कौन करेगा, क्योंकि नाम अरुण जेटली कमेटी है तो जाहिर सी बात है अरुण जेटली कमेटी उसके हेड है, ठीक है। और आज की में अरुण जेटली कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। और इसके अदर मेंबर कौन है, अदर मेंबर हैं रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। ये निर्मला सीतारमन के बारे में मैंने आपको पिछले एमसीक्यू के बारे में बताया था अपने। और अब ये कमेटी का मोटो क्या है, एक तो ये हो गया सेंट की बैंकों को मर्ज करना, ठीक है, बस यही है। देखिए आप क्या लिखा है, क्रिएट लार्ज बैंक एम्स एट मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए आखिर हर बैंक अपना अपना काम कर रहा है, तो फिर सरकार को क्या जरूरत पड़ी उन बैंकों को मर्ज करने की, उसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमी इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। हमारी देश काफी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आज की डेट में चौथे नंबर पे है, ठीक है। सो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को और बड़ा बनाने के लिए एक फंड की जरूरत होती है, ठीक है। सो इसीलिए सारे बैंकों को मिला के एक बड़ा बैंक बना दिया जाएगा ताकि क्रेडिट नीड यानी कि पैसों की कमी ना रहे और उसी तरह से हमारी तरक्की होती रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। सो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं। हाँ सारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग करना चाहता था, ये नहीं कि करंट अफेयर्स आया और मैंने आपको उठा के दे दिया, ठीक है। ये वन लाइनर की तरह हो गया जो सारे लोग करते हैं, सारी वेबसाइट्स करती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आपसे आपको उससे जुड़ी आगे और पीछे यानी हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों जानकारी मिल जाए, ताकि अगर उससे रिलेटेड को दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर कर पाओ। अगर नहीं भी कर पाओ तो कम से कम आपके नॉलेज में तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा और एज अ पर्सनैलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने पूछा गया है, वो कौन सा इंडियन शटलर है, शटला मीन्स बैडमिंटन प्लेयर, हु वॉन 2017 मेंस सिंगल फ्रेंच ओपन सरप्राइज सीरीज। तो वो है हमारे किदांबी श्रीकांत। अगर किदांबी श्रीकांत को सिर्फ नाम से कुछ लोग जानते होंगे, शक्ल ना देखी हो तो देख सकते हैं ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं, 2017 में इनका परफॉर्मेंस काफी लाजवाब रहा है, ठीक है। इन्होंने इस साल 4 सीरीज जीती हैं, सबसे पहले इस साल की स्टार्टिंग में उन्होंने इंडोनेशियन सुपर सीरीज जीती थी और पहले भारतीय बन गए थे ऐसा करने वाले, फर्स्ट इंडियन मैन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती, ठीक है,
फिर उसके बाद डेनमार्क सुपर सीरीज और अभी लास्ट में फ्रेंच सुपर सीरीज। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने एक साल में 4 सीरीज जीती हो, या पूछ सकता है किदांबी श्रीकांत ने एक साल में कितनी सीरीज जीती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम इसलिए देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन रीड करें। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेंगे और फिर आप उसका कीवर्ड पकड़ लेंगे, तो उससे रिलेटेड सारी नॉलेज आप लोग बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए। हु विल हेड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस टू एग्जामिन ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस ऑफ आर्म्ड फोर्स। यानी कि इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एक कमेटी और बनाई है। ठीक है, वो कमेटी क्या करेगी, हमारी जो आर्मी है उसकी तैयारी देखेगी कि अगर युद्ध की स्थिति में वो कितनी प्रिपेयर है, कितनी तैयार है। ठीक है, अब ये तैयारी किस किस एरिया में देखी जाएगी, एक तो सबसे पहले हमारे हथियारों के एरिया में कि हथियार हैं कि नहीं, दूसरा उन हथियारों को चलाने वाले जो सैनिक हैं उनकी कंडीशंस कैसी है। ठीक है, और हमारी आर्मी के में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, कहीं पे कुछ इंटरनल झगड़ा वगड़ा चल रहा हो। ठीक है, तो इन सबकी एक रिपोर्ट बना के तैयार की जाएगी और फिर गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी, फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो उस जो बन रही है ये इस कमेटी, उसको हेड कौन करेगा, वो है हमारे खंडूरी जी। ठीक है, अब खंडूरी जी के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं मैं, ये सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 2007 से 2009 और 11 से 12 इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, और आज की डेट में ये 16th लोकसभा जो चल रही है हमारी 2000 कहां से कब से कब तक, 2014 से 19 तक जो 16th लोकसभा चल रही है उसके मेंबर हैं। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि खंडूरी साहब हमारे जो हैं ये पहले आर्मी में भी थे और ये मेजर जनरल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे थे। ठीक है, रिटायरमेंट के दौर पे ये मेजर जनरल थे, इसीलिए इनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। ठीक है, अब इस कमेटी का मोटो क्या है, एक तो मैं बता ही चुका हूँ, प्रोक्योरमेंट ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट, यानी कि सरकारी में रक्षा के लिए जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, चाहे वो हथियार हो, तोप हो, टैंक हो और एयरक्राफ्ट हो, उनकी पॉलिसी देखी जाएगी कि आज की डेट में उसको खरीदने की, परचेज करने की पॉलिसी क्या है। ठीक है, उसमें कहीं धांधली तो नहीं है, एक तो ये स्टडी की जाएगी। दूसरी, क्रिटिकली रिव्यू द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजिक डिफेंस एसेट्स, और जो भी अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी हमारे हादसे होते रहते हैं, कभी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, कभी हमारा कोई क्या नाम है नेवल का जहाज होता है वो डूब जाता है। ठीक है, तो वो एक्सीडेंट जो हुए हैं उनको क्रिटिकली रिव्यू किया जाएगा कि क्यों हुआ है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक तो क्या हो गया, हमारे जो रक्षा उपकरण है उनकी खरीदारी के लिए जो पॉलिसी है उसको देखा जाएगा, आप लोग सब नोट्स बनाते रहिएगा, और दूसरा क्रिटिकली रिव्यू किया जाएगा किस चीज़ को, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में कि क्यों हो रहे हैं, और तीसरा लुक इनटू द इक्वालिटी ऑफ राशन गिवन टू द फोर्स स्पेशली इन द बॉर्डर, बॉर्डर में यानी सीमाओं में हमारे जो जवान रहते हैं उनके लिए जो राशन पानी की भी जाता है वो किस क्वालिटी के जाता है, क्योंकि जवान है देश की रक्षा कर रहे हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी का सब कुछ मिलना चाहिए, अगर खराब क्वालिटी का मिलेगा तो उनको ना प्रोटीन मिलेगा, ना एनर्जी मिलेगी, ना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो उनकी जब एनर्जी ही डाउन रहेगी, उनकी हेल्थ ही डाउन रहेगी तो क्या लड़ेंगे, इसीलिए उसकी क्वालिटी के लिए भी ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा कि बीसी खंडूरी साहब हमारे लीड करेंगे उस कमेटी को, वो कमेटी क्या देखेगी, ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की हमारी युद्ध के लिए आज की डेट में तैयारी क्या है और उसका मोटो क्या क्या है, एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मतलब रक्षा उपकरणों की खरीदारी से रिलेटेड, दूसरा जो हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड, और तीसरा हमारे जवानों को जो खाना पीना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को कमेटी का नाम याद रखना है और उसके हेड कौन है, लीडर कौन है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन जस्ट एज ए जनरल नॉलेज, ठीक है, आपको आना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी अभी भी एक चेंज हो गए हैं, तो वो कौन है, विक्रम सिंह। ठीक है, विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, ये कौन है, ये 1997 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के IAS IRS इन्होंने क्रैक किया था। ठीक है, और ये 2 साल के लिए इनको सिलेक्शन हुआ है प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
2 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जिसने ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक, हिंदी में कहते हैं इसको क्या, तपेदिक, ठीक है, 2016 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, 2017 में, सॉरी अक्टूबर 2017 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पूरे दुनिया में तपेदिक से मरने वाले लोग सबसे ज्यादा कहाँ के हैं। वो है इंडिया, ठीक है, 7 देशों में सर्वे हुआ था और इंडिया में सबसे ज्यादा पाया गया कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक के कारण मरने वाले लोग सबसे ज्यादा इंडिया में है, ठीक है। इंडिया के बाद ऐसा देश कौन सा है जो सेकंड नंबर पे है, इंडोनेशिया, उसके बाद चाइना। ये रिपोर्ट कब आई थी, 30 अक्टूबर 2017 को, ये 2-0 है, ठीक है, और 2016 में सबसे ज्यादा मरने वाली यानी सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी रही है, ट्यूबरक्लोसिस ही रही है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कैसे कि इन 2016 कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई, ऑप्शन दिया रहेगा कैंसर, एड्स, ठीक है, और स्वाइन फ्लू और टीबी। तो अब आदमी सोचेगा एड्स बहुत खतरनाक होती है, स्वाइन फ्लू बहुत खतरनाक, क्योंकि इनका नाम बहुत आता है मार्केट में, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले इनका नाम उछालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बीमारी है तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन जारी, किसने जारी किया है, WHO ने, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। मैं एक लेक्चर अपना लेके आऊंगा इसके ऊपर, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यूनेस्को के, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UN के, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, UN के, उनके बारे में आपको बताऊंगा। फिर एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको एशिया के जितने भी हैं, जैसे कि क्या हमारा एशियाड, ठीक है, और बिमस्टेक जो कि मैं बता चुका हूँ, उसके बाद जो भी हमारे ग्रुप हैं उनके बारे में बताऊंगा, सुपर 30, एक है सुपर 30 ग्रुप, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रीड कीजिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है विच कंट्री टू होस्ट 13th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। ये तो खैर रही बात की बात, मैं आपको बता दूं अभी अभी अक्टूबर में 12th सेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ है, मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। कब से कब तक, 23 से लेके 28 अक्टूबर तक हुआ है। इसका नाम क्या दिया गया है, CMS, CMS का फुल फॉर्म कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीस स्पीसीज यानी कि जो स्पीसीज प्रवास कर लेती हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ठीक है। प्रवास मतलब ये मतलब किसी सीजन में यहाँ से उठ के यहाँ चले गई, ठीक है, दूसरे सीजन में यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, ऐसी जातियों के बारे में उनका कंजर्वेशन करने के लिए ये सेशन किया गया है वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। 2012 में तो ये मनीला में होता, फिलीपींस में, और इसका मोटो क्या था, इसका गोल क्या था, देयर फ्यूचर इज अवर फ्यूचर। यहाँ पे देयर का मतलब वही स्पीसीज है, ठीक है, देयर फ्यूचर इज अवर फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पीपल, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद होना चाहिए, अगर पेपर में पूछा जाएगा ऐसे तो ऑप्शन ABC करके इसमें जो ये ऑप्शन होगा उसको आपको क्लिक करना है। तो इसी मीटिंग में जो कि 2017 में हुई है, नेक्स्ट मीटिंग के लिए अभी से प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ होने वाली है, 2020 में, 2020 में, ठीक है, कहाँ पे होगी, इंडिया में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर हो गया इंडिया, और CMS का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज हेल्ड इन वंस इन 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार होती है ये। यानी आपको एक पूरी नॉलेज मिल गई एक छोटे से क्वेश्चन से, ठीक है। आने वाले में टाइम में भी कहाँ पे होने वाला है ये कॉन्फ्रेंस, और अभी कहाँ पे हुई, ठीक है, आपको दोनों पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, ये अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं बताऊँगा आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, और ये
पर्यावरण का ही रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु हैज वॉन 2017 स्विस इंडोर मेंस मेंस सिंगल, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मेंस सिंगल यानी कि एकल पुरुष खिताब टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि टेनिस से रिलेटेड और बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। पिछले 2-3 साल में तो हर साल पूछा गया है, इसीलिए आपको इन चीजों को याद रखना है कि 2017 में स्विस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो वो है रोजर फेडरर, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और आज की डेट में इन्होंने जब ये अपना टूर्नामेंट जीता तो उन्होंने अपना 95th टाइटल जीत लिया अपने कैरियर का। अब उनसे आगे सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, जिमी कॉनर्स, ठीक है, जिन्होंने 2006 में खेलना बंद कर दिया है, ठीक है। इन्होंने 109 ट्रॉफी जीती थी टोटल, यानी अभी भी 9, 5, 14 14 टाइटल दूर है रोजर फेडरर, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है कि नेम द पर्सन हु हैज वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज एज अ मेन्स सिंगल, यानी कि एकल पुरुष खिताब में सबसे ज्यादा टूर्नामेंट टेनिस का जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो जिमी कोनोर्स, ठीक है। सेकेंड नंबर पे रोजर फेडरर, ये आज भी खेल रहे हैं, हो सकता है आगे वाले टाइम में ये इनका रिकॉर्ड तोड़ दें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर से 8 क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं अब छोटी सी बात, 8 से 10 क्वेश्चन सफिशियंट हैं डेली, और एंड ऑफ द वीक आपके पास 50 क्वेश्चन की लिस्ट होगी और मैं आपको इसके एक पीडीएफ दे दूंगा जो कि आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको काफ़ी बूस्ट करते हैं और रोज आपके लिए और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। सो वेट एंड वॉच अवर अदर वीडियोज, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।